हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण ऑनलाइन क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज जो है हम यहाँ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं करंट अफेयर से, जो किसके लिए आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है, केवीएस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो अभी 2018 के अंदर अभी जो होने वाला है। पीजीटी टीजीटी और पीआरटी तीनों जो है आपके लिए यहाँ सो करंट अफेयर कवर हो जाएंगे तीनों के लिए। ओके, तो ये पार्ट फर्स्ट है, इसके अंदर जो है मैं 25 क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट जो आएगा वो पार्ट बी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके अंदर 25 क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, तो ये जो 50 क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स रह जाएगी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, इंटरनेशनल और नेशनल, ये सारी की सारी करंट अफेयर जो है मैं इसमें जो है कवर आपकी कर दूँ। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है कि वेन इज द वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व ग्लोबली। तो अपने को बताना है कि हेपेटाइटिस डे जो है वो किस दिन बनाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है डी, 28 जुलाई को ये बनाया जाता है। और इस बार जो बनाया गया उसकी जो थीम थी वो थी टेस्ट ट्रीट ऑफ हेपेटाइटिस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कहता है कि वेन इज द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑब्जर्व एवरी ईयर। तो जो है किस डे मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 26 जून को मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये कहता है कि वेन द वर्ल्ड डायबिटीज डेज इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये जो है वो 14 नवंबर को जो है मनाया जाता है। और साथ ही साथ आपको याद रह जाएगा 14 नवंबर को क्या चिल्ड्रंस डे भी मनाया जाता है, उस दिन भी डायबिटीज डे जो है वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये कहता है कि विच स्टेट सेलिब्रेट इट्स 18th फाउंडेशन डे ऑन नवंबर 9। तो कौन सी स्टेट ने जो है वो सेलिब्रेट किया था, उत्तराखंड ने जो है सेलिब्रेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कहता है कि द राष्ट्रीय एकता दिवस इज ऑब्जर्व एवरी ईयर टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर। तो कौन से लीडर की जो है एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी पर जो है ये दिन बनाया जाता है। तो ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ये काफ़ी जो है चर्चा में हैं, आपको पता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को लेकर काफ़ी चर्चा में रहे हैं। तो सबसे टालेस्ट जो इनकी जो स्टैचू बना है, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के अंदर नालंदा नदी के किनारे पर बना है। ओके फ्रेंड्स, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कहता है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ 2018 नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे की जो थीम थी वो क्या थी, बी इज क्वालिटी एश्योरेंस इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। ओके, ये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कहता है कि व्हेन द नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। तो किस किस दिन मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे जो है अब्दुल कलाम की जो है बर्थ एनिवर्सरी पर ये जो है डे बनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट, व्हेन द यूनाइटेड नेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो यूनाइटेड नेशन डे किस दिन मनाया जाता है, अपने को 24 अक्टूबर को ये जो दिन बनाया जाता है, बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इंडियन प्रोजेक्ट वॉन द 2000 यूएनएस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड इन अवार्ड ऑफ डिस्टिनेशन कैटेगरी। तो कौन से इंडिया प्रोजेक्ट ने जो अभी यूनेस्को के अंदर एशिया पैसिफिक अवार्ड हुए थे, कौन सा अवार्ड ऑफ डिस्टिनेशन कैटेगरी में जो है वो जीता था, हमने को बताना है कि कौन सा जो है जीता था। इसका जो आंसर है वो है ए, एलोमे लेम्बो सेंटर ऑफ लद्दाख। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कहता है कि हु वॉन द 2000 नोबेल पीस प्राइज। तो जो अभी 2018 का जो नोबेल पीस प्राइज था वो किसको मिला था, नाडिया मोर्ट को मिला था। इसके साथ और भी थे, मोस्केटिक नाम है उनका शायद, ठीक है, तो वो आप वो देख लेना, मोस्केटिक नाम है। तो दो पर्सन को मिला था ये, फर्स्ट जो है वो ये है नाडिया मोरेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कहता है कि हु वाज अवार्डेड द 2000 नोबेल प्राइज इन साइकोलॉजी और मेडिसिन। साइकोलॉजी और मेडिसिन के अंदर किसको मिला था, साइकोलॉजी और मेडिसिन के अंदर जो ये अवार्ड मिला था वो था जेम्स पी एलिशन एंड टुकुसु खोनजो को मिला था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नेम ऑफ इंडियंस हु वॉन द 2000 रेमन मैग्सेसिस अवार्ड। तो किसको मिला था ये रेमन मैग्सेसिस अवार्ड, ये जो मिला था वो था सी, मतलब भरत वटनानी और सोनम वांगचुक को जो है ये मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कहता है कि विच कंट्री लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट सोरविजन ब्लू बॉन्ड। तो कौन सी कंट्री ने जो है वो लॉन्च किया है, वो डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, साई चैलेंज ने इसको जो है लॉन्च किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कहता है कि ऑन अगस्त 6, 2018 जापान मार्क द 73rd एनिवर्सरी एटॉमिक बॉम्बिंग ऑन दिस सिटी, कौन सी सिटी के अंदर हुआ था, हिरोशिमा के अंदर ये क्या था। ओके फ्रेंड्स, ये तो आप सभी जो लोग जो है जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है विच पार्ट अमेज्ड आउट द ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एज पर द पाकिस्तान इलेक्शन रिजल्ट 2018। तो ये क्या था, ए पाकिस्तानी तहरीक, ई इनफ जो है ये पार्टी थी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच सिटी होस्टेड द ब्रिक्स समिट 2018, तो कौन सी सिटी जो है वो ये ब्रिक्स समिट कर रही है 2018 का। ओके तो ये जो सिटी है वो है जोनेसबर्ग जो है इस बार जो है इसको जोहन्सबर्ग जो है इस बार जो है ब्रिक्स समिट कर रही है 2018 का, होस्ट कर रही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कहता है कि विच वाज हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ तुर्की इन द प्रेजिडेंटल इलेक्शन इन 2018। तो ये है जो अब किसको जो है सेलेक्ट किया गया है, रेप्स टाइपिन एड्रोगन को। ओके फ्रेंड्स, सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कहता है कि विच सिटी इज होस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC फॉर्म। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, 18 क्वेश्चन का आंसर है डीएन वियना जो है वो इस बार क्या कर रहा है, होस्ट कर रहा है किसको, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कहता है कि विच कंट्री रिसेंटली विड्रो फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर, तो कौन सी कंट्री जो है वो इस बार विड्रो कर देगी यूनाइटेड नेशन यूएन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कहता है कि वेयर वॉज द 17th एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी काउंसिल मीटिंग हेल्ड, तो इसने बताना है कि जो अभी जो 17th एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी होगी वो कहाँ हेल्ड होगी। ओके तो इसका जो आंसर है वो है सिंगापुर, ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कहता है कि द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिपोर्ट एयरपोर्ट हैज बीन अनवर्ल्ड इन विच कंट्री, तो इसका जो आंसर है वो है अपने पास सी, तुर्की के अंदर जो है ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु वॉज द अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, इसका जो आंसर है वो है डी महिंदा राजापक्सा। ओके तो ये जो नाम है आपको ध्यान में रहना चाहिए, महिंदा राजापक्सा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कहता है कि मिशेल डी हैगिन हैज वोन ए सेकेंड टर्म एज द प्रेजिडेंट ऑफ विच नेशन, तो कौन से नेशन का जो है ये प्रेजिडेंट जो है ये आयरलैंड के थे, डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कहता है कि विच कंट्री ओपन द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सी क्रॉसिंग ब्रिज, तो ये जो है चाइना है क्योंकि सबसे जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है वो चाइना के अंदर ही है, तो इसका जो ऑप्शन है वो है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कहता है कि द ग्रीन क्लाइमेट फंड हैज अप्रूव्ड हाउ मच फंड एज एस्टिमेट पुअर कंट्रीज टैकल क्लाइमेट चेंज, तो ये जो है वो कितने का फंड था, डी इज करेक्ट आंसर, 1 बिलियन का जो है ये फंड जो है क्लाइमेट चेंज के लिए जो है अप्रूव्ड किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है आप लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, व्हाट्सएप पे शेयर करना, फेसबुक पे शेयर करना, साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ के साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो पार्ट बी है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा उसका लिंक, अभी जो है मैं इसके बाद जो है अपलोड कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो देखने के लिए अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।